नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड रेस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली के द्वारा यह कैसे देखें कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजेरियन होगा, यानी ऑपरेशन के द्वारा होगा। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एक लेडीज़ हैं, वो प्रेग्नेंट थी, यानी टाइम जो 9 मंथ का था वो पूरा हो चुका था। तो अपने घर के पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई 24 को, और पूरी रात वो ट्रीटमेंट हुआ, पानी वगैरह चढ़ाया गया। उसके बाद सुबह वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आप ले जाओ। तो ये मेरे पास चार्ट आया कि देखिए क्या कैसी स्थिति रहेगी, कि क्या ऑपरेशन कराना होगा या ऐसे नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें और 2-3 क्वेश्चन हुए कि जब डॉक्टर ने कहा कि रेफ़र आप ले जाओ दूसरे डॉक्टर के पास, तो फिर घर वालों के मन में कई सारे विचार आने लगते हैं, कहीं बच्चा तो ठीक है, कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, या डॉक्टर कुछ छुपा तो नहीं रहा, ऐसे कई सारे मन में विचार आने लगते हैं। तो वो एक सवाल का पूरा बौछार हो जाता है कि मतलब जो डिलीवरी होगी वो सही तरीके से तो हो जाएगी या नहीं, नॉर्मल होगा या सीजेरियन होगा, बच्चे का हेल्थ कैसा रहेगा, माँ का हेल्थ कैसा रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस सबको मैंने इसमें कवर किया है। पूरे का उत्तर आपको दूंगा, इसलिए मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, क्योंकि आप सबके पास मोबाइल है तो आसानी से देख सकते हैं। एक जानकारी यहाँ मैं आपको दे दूँ, 5 सितंबर से हमारा ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप चालू हो रहा है, पेड ग्रुप। 4 महीने का कोर्स रहेगा, कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सपोर्ट दी जाएगी, क्लास जूम ऐप पर होगा, प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। कोर्स का फी 32,000 रुपये है, जिसे आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इसमें हम आपको कुंडली विश्लेषण करने के साथ साथ, जैसा मैं करता हूँ, मेरे चैनल पर 400 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, और समय समय पर मैं ऐसा मोबाइल के द्वारा बना के भी स्क्रीन रिकॉर्डर से डालता हूँ। साथ ही साथ जो ग्रह दोषों के उपाय हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, मंत्र हैं, रत्न हैं, वो सारे मैं बताता हूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है प्रैक्टिस सपोर्ट, यानी कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके अपने प्रैक्टिस के दौरान जो समस्या होगी उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, लगभग अब तक जितने लोगों ने मेरे साथ सीखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच ख़त्म होने के बाद मैं दूसरे बैच में भी यदि किसी को कोई समस्या रहती है तो जोड़ देता हूँ, यानी नेक्स्ट बैच में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है। आइए चालू करते हैं। मैंने उनसे होर्नी नंबर नहीं लिया, क्योंकि होर्नी नंबर के लिए मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि माइंड आपका चंचल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाए और आप अपना लकी नंबर या कोई नंबर दिखा वैसे बता दें तो फिर काम ख़त्म, यानी आप जो एस्ट्रोलॉजर हैं वहाँ पे मिसलीड कर जाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट डेट टाइम और प्लेस और ये कुंडली बनती है। हमारा सेक्शन केपी सेक्शन है, तो हम इस केपी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इस केपी सेक्शन में 8 नंबर राशि है, 8 नंबर वृश्चिक राशि। जो थॉट है, जो विचार है, उस विचार में एक डर, एक वहम, एक भ्रम बना रहेगा। सबसे पहले यहाँ से क्लियर हुआ, मैंने ये समझ लिया। यहाँ से समझने के बाद चंद्र का संबंध प्रश्न से संबंधित भावों से बनना चाहिए। तो चंद्र बैठा है 4थे भाव में, प्रश्न है संतान का, प्रश्न है जाति का कि स्वास्थ्य का। तो पहले भाव से 4था भाव स्वास्थ्य के मामले में निगेटिव होता है और संतान के लिए भी निगेटिव होता है। तो प्रारंभिक तौर पे चंद्र ने यहाँ पे समस्या को बताया, लेकिन हम यहाँ से नहीं, इसके नक्षत्रों का अध्ययन करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो 2, 5, 11 जो चाइल्ड बर्थ के प्रमुख नंबर हैं, 3 और 9 सपोर्टिव नंबर हैं, यानी ये 3 हाउस सपोर्टिव हैं चाइल्ड बर्थ के, जो इसमें मौजूद हैं, यानी प्रश्न टेस्टेड है, सही है, कोई समस्या की बात नहीं। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा होगा,
लग्न के सब लॉर्ड को चेक करना। क्यों चेक करना? क्योंकि जातिका का स्वास्थ्य कैसा है, यानी डिलीवरी के दौरान जातिका को तो कोई समस्या नहीं होगी, मेजर कॉम्प्लिकेशंस कहें या फिर कई बार जीवन और मृत्यु तो देखिए ईश्वर के हाथ में, लेकिन फिर भी एक मिल जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा। बेसिकली मेरे देखने का मतलब यही था। तो लग्न का सब लॉर्ड गुरु है, पाँचवें का सब लॉर्ड गुरु है और ग्यारहवें का सब लॉर्ड गुरु है। यहाँ इस नक्षत्र नाड़ी वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। गुरु 2, 3, 5 का रिजल्ट दे रहा है, साथ ही 1 और 11 का सब लॉर्ड बना हुआ है। गुरु अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो इसलिए गुरु का टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 11 इसका मतलब क्या, जातिका के हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हाँ चलो, मतलब जो उनका अपना कंसर्न था कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या फिर डॉक्टर ने जैसे क्रिटिकल बताया है तो कहीं इसका डेथ वगैरह ऐसा हो जाए। देखिए डेथ तो कम्प्लीटली 100% ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कुंडली के मेथड हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो रूल्स हैं। दूसरा बच्चे को 5वां कस्पल सब लॉर्ड 2, 3, 5, 11 कम्प्लीटली पॉजिटिव, बच्चे को भी कोई समस्या नहीं होगी, यानी बच्चा भी स्वस्थ है। तो हमारा एक क्वेश्चन जातिका के स्वास्थ्य का क्लियर हो गया, बच्चे का यानी बच्चे को तो कोई समस्या नहीं होगी, नहीं बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। बाकी जो बच्चों की अपनी नॉर्मल समस्याएं होती हैं, डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं, वो चीज़ होंगी, यानी कोई मेजर इशूज़ नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। थर्ड कंसर्न, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा या सी सेक्शन होगा। सी सेक्शन के लिए, सीजेरियन के लिए 8वां भाव चाहिए, इसके लिए हमें दशा पे चलना होगा। दशा प्रेजेंट में शनि की, अंतरदशा मंगल की, प्रत्यंतर केतु की 1-9 तक। मंगल और केतु ऑपरेशन सिजेरियन के कारक। अब ये कारक आ गए यहाँ आने के बाद थोड़ा सा दिमाग में करंट जाता है कि अरे दोनों तो ये आ गए ऑपरेशन कराने वाले, शनि मंगल केतु, लेकिन हाउसेस को हम देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, 8वें का सब लॉर्ड सूर्य बना हुआ है, यानी शनि मंगल केतु से कोई संबंध नहीं है। आ जाइए 8th हाउस सिर्फ बुध में है, बुध अभी नहीं है, दशा में नहीं है, शनि में 8वां नहीं है, मंगल में 8th हाउस नहीं है, केतु में 8th हाउस नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, मंगल में 1, 6, 12 यानी हॉस्पिटल से कुछ ज़्यादा लगाव, केतु में भी 1, 6, 12 और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 24 तारीख से ही इंजेक्शन इनको पड़ रहा था, प्लस पानी चढ़ाया जा रहा था, तो जो इंजेक्शन दिया जाता है नस में जो सुई डाली जाती है ये एक्टिविटी भी केतु की है, तो 1, 6, 12 यानी नॉर्मल से ज़्यादा परेशानी होगी, थोड़ा समस्या होगा। तो अब क्वेश्चन आता है नॉर्मल या सी सेक्शन। सी सेक्शन के लिए 8th हाउस, 8th नहीं है, यानी बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी। क्लियर? यहाँ एक बात है, शनि चंद्र के नक्षत्र में है, चंद्र शनि के नक्षत्र में है, ये पुनर्फु दोष बनाते हैं जो काम में देरी कराते हैं। दूसरा यहाँ आ जाइए, रूलिंग प्लैनेट्स, रूलिंग प्लैनेट कौन है, बुध है, मंगल है, शनि है, गुरु है, शनि है। शनि और गुरु वक्री चल रहे हैं, इस वक्री के कारण वन मिनट रुक जाइए। गुरु शनि की ही राशि में है और शनि शनि की राशि में है, इसका मतलब क्या हुआ कि काम में देरी होगा, लेट होगा। डॉक्टर ने जो एक्सपेक्टेशंस अपना दिया कि हाँ लेट हो चुका, जल्दी से ले जाइए, बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, ऑपरेशन कराना होगा, तो वैसी बात नहीं है, यानी नॉर्मल डिलीवरी होगी लेकिन लेट होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जो डॉक्टर का एक्सपेक्टेशंस होगा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी टॉपिक हो प्रश्न कुंडली के द्वारा इंस्टेंट समझ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में कई बार जन्म कुंडली
सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। यदि आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का चार्ज 1500 रुपये है, पूरी कुंडली का विश्लेषण 3200 रुपये है, और शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बारे में उस पोर्टफोलियो को जानना है, तो उस कंसल्टेशन के चार्ज 5000 रुपीज़ है। यदि सिंपली आपको जानना है कि मेरी कुंडली में शेयर मार्केट से संबंधित लाभ का योग है या नहीं, तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद फर्दर फिर आप 3500, चूँकि 5000 टोटल है, जब आप पे करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर निफ्टी अच्छा है, बैंक निफ्टी है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, क्या आप करें, प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955592। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स से संबंधित डिटेल्स, साथ ही साथ ज्योतिष वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु सबसे रिलेटेड वीडियोस के प्लेलिस्ट दिए गए हैं, जहां से आप मेरे चैनल के और वीडियोस को देख सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।